देश को मिला नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान से इसका शुभारंभ किया। इस नए भवन में 888 लोकसभा और 384 विधानसभा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। इस नई संसद भवन को लेकर बीते कई दिनों से राजनीति गरमाई हुई है। लगभग पूरे विपक्ष ने नई संसद भवन के उद्घाटन से कर लिया था किनारा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन के उद्घाटन के लिए पहुंचे, जहां पहले से ही तमिलनाडु के अलग अलग मठों से अधिनियमों में हवन पूजन शुरू कर दिया और ये कार्यक्रम एक घंटा तक चला। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हवन पूजन के बाद से सेंगोल सामने दंडवत हुए और सेंगोल की स्थापना के बाद पीएम ने समस्त धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लिया। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन के समारोह में 75 रुपये का नया सिक्का भी जारी करेंगे। सिक्के पर नए संसद भवन की तस्वीर होगी, संसद की तस्वीर के ठीक नीचे वर्ष 2023 भी लिखा होगा। आपको ये भी बता दें कि नई संसद भवन में सर्वधर्म सभा में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री सहित कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। इस सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख सहित कई धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु ने सूरह रहमान की तिलावत की। तो आइए देखते हैं एक झलक। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان